किसकी? ये मस्जिद गीता के बाद में मैं भी आपसे ले सकता हूँ। यही बना रही हूँ। उधर एक चीना था, चीना बंदा, वो इतना ऊंचा ऊंचा रोए, इतना ऊंचा ऊंचा रोए। क्यों पता नहीं। अच्छा आप एक्सप्लेन करें अपनी वीडियो में। तो जनाब हम जो है म्यूजियम में जा रहे हैं, और इस म्यूजियम का नाम क्या? द प्रॉफिट्स म्यूजियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें उनकी जो है बायोग्राफी है सारी, और उनके मेरे ख्याल बचपन से लेके तो अब तक के जो चीज़ें हैं वो हैं उसमें, तो यही पता चला अभी तक हमें। तो अभी हम जा रहे हैं उसी तरफ, और ये मस्जिद नबवी के दरमियान से गुजर के हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे ही वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल में बता सकूँगी कि क्या क्या है वहाँ पर। फिलहाल मैं चाह रही थी कि मैं आपको रास्ता भी दिखाती जाऊँ। ये मस्जिद नबवी देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत ये एंट्रेंस है यहाँ से उनकी, और हर तरफ लोग ही लोग हैं। अभी नमाज का टाइम नहीं है, लेकिन कुछ ही टाइम में नमाज का टाइम, कुछ ही देर में नमाज का टाइम होने भी वाला है, असर नमाज होने वाली है। तो उसके लिए भी पहले से ही लोग आके बैठ रहे हैं, और कुछ आ रहे हैं स्टिल, और कुछ जो है वो जो दूर दूर इलाकों से आए हुए हैं वो वहाँ यहाँ पर बैठ के आराम कर रहे हैं। तो ये साथ साथ मैं आपको मस्जिद नबवी दिखाती जा रही हूँ, और चारों तरफ से, और उसके साथ ही जो है हम लोग म्यूज़ियम के करीब पहुंचने वाले हैं। तो जैसे ही करीब पहुंचते हैं तो फिर मैं आपको उसके बाहर वाला हिस्सा भी दिखाऊंगी। मस्जिद नबवी जो है माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है, चारों तरफ से अगर हम आप उसको देखें, मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये देखें, ये इसकी एक दूसरी साइड है, और यहाँ से भी अगर आप देखें तो आपको लगेगा बहुत वसी है माशाल्लाह ये। तो लाखों के हिसाब से जो लोग हैं वो इसमें एट ए टाइम जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इस वक्त हम म्यूज़ियम के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। ये देखेंगे सामने, अगर आप नज़र आ रहा है जिसपे ये ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, थोड़ा मैं इसको जूम करूं अगर, तो ये देखिए सामने बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त सामने से बिल्कुल सनलाइट आ रही है, और उस वजह से जो है मेरा ख़्याल है कि आप शायद उसका नाम सही तरह देख नहीं पाएंगे। द इंटरनेशनल फेयर एंड म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट्स बायोग्राफी, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है और वाइट कलर में, ये म्यूज़ियम है। तो हम बिल्कुल एक मिनट के फासले पे हैं इस वक्त, और इस साइड पे भी देखें दूर तक आपको ये मस्जिद नबवी का हिस्सा ही नज़र आएगा, और इस साइड से भी ये जो साइड पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं ये सब होटल्स हैं जहाँ पे लोग आके स्टे करते हैं। तो बैक टू म्यूज़ियम, ये सामने म्यूज़ियम है जी, ये देखें बिल्कुल अब क्लियर नज़र आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत बड़ा म्यूज़ियम जो है, तो उसी हिसाब से इसके अंदर मेरा ख़्याल है हज़रत पाक की वो बचपन से लेके अब तक की जो उन्होंने बायोग्राफी के मुतल्लिक कहा है, तो वो अशिया भी हमें देखने को मिलेंगी। और ये एंट्रेंस है, ये देखिए ये एंट्रेंस है इसकी, ये बिल्कुल एक स्क्रीन उन्होंने ऊपर लगाई हुई है जिसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो दिखा रहे हैं। We start a tour here with the name of Allah in this area. Also, this is introduction for
for many information about Allah, His name, His attribute, anything related to Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, all the information, the title of it is at the beginning of this place. Well, there is no doubt, this eyes, this hand, all the system we go through is from Allah Almighty, and this is a way to prove how Allah subhanahu wa ta'ala is capable and is strong. So for this, we're starting the tour here with the name of Allah and the same. The story of the second area, because you have a large group, is about the beginning of the creation of this world. At the beginning of the creation of this world, Allah Almighty, He was alone. Nobody was Allah subhanahu wa ta'ala. And His throne over the water, then Allah subhanahu wa ta'ala created the sky, the earth, all the system that you see, Allah Almighty created. Now we're going to take you to the section of the Prophet of Allah. If you want, maybe made the full video. That's it. And even then, I don't need to go. We reminded the Prophet in the story of Mecca Mukarramah that Allah guided the Prophet Ibrahim with his wife Hajj and his son Ismail here. The Prophet Ibrahim left his family, nobody in Mecca Mukarramah, nobody. And then Allah subhanahu wa ta'ala sent the angel Jibreel, and showed them the water of Zamzam and preserved the family of the Prophet Ibrahim, our mother Hajj, and her little son, the Prophet Ismail, at that time. So we have a question. Where is the person? Have a question. Where is he? Okay, where is your question? Ah, yes. Yeah, all the three sons, they died. We don't know the circumstances they died, but all the three, they died over there. Okay, thank you. I have another question. Very good question. So here, now we're going to talk about the Medina Munawwara. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam immigrated to Al-Medina Al-Munawwara. Why did the Prophet immigrate to Medina Munawwara? Because in Medina Munawwara, he gets the protection in Medina Munawwara. He was protection, he was able to call for Islam freely in Mecca Mukarramah and all the world. So Medina Munawwara was like a shelter of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. بعبر السنين تزدهر مكة لتصبح محفلا تجاريا وثقافيا بين الشام واليمن فيعمر سوق عكاظ بمختلف السلع. ثم تمر عصور عديدة وأعوام مديدة. في مثل هذه الدار ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دار أبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب التي قالت إنها في ليلة ولادة محمد خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ويعيش بين أهلها ويمشي في شعابها وبين بيوتها. وفي مثل هذا البيت يتزوج السيدة الأولى في الإسلام، سيدة مكة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكان صلى الله حتى يصل إلى جبل حراء فيصعد ذلك الجبل الشاهق بارتفاع 294 متر للوصول إلى الغار في قمة الجبل، حتى نزل عليه الوحي وكلفه تبليغ الرسالة الخالدة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي ليلة مباركة انطلقت رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة إلى مدينة القدس، إلى المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومعجزة نبوية
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتستمر الرحلة حتى تظهر معالم المدينة بنخلها وحراتها. وقد علم الأنصار بقرب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فظلوا ينتظرونه عند الحرة لا يردهم إلا حر الظهيرة، حتى سمعوا مناديا يبشر بقدومه صلى الله عليه وسلم، فتسارعوا إلى استقباله وهم في غاية البهجة والسرور.